विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में वैदिक परंपरा अनुसार आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो गए। एसडीएम ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने मंदिर में विधिवत गुप्त नवरात्र का कन्या पूजन करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसडीएम राकेश शर्मा ने कहा कि इन गुप्त नवरात्रे हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक मनाए जाते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रों में विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए 9 दिनों तक 51 पुजारी माँ के दरबार में अनुष्ठान करेंगे और नवमी को पूर्णाहुति के साथ ही गुप्त नवरात्र संपन्न होंगे। ज्वालाजी मंदिर के प्रधान पुजारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि इन गुप्त नवरात्रों में देवी की विशेष कृपा होती है, इसलिए श्रद्धालुओं को इन 9 दिनों में माँ की 10 महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस बार भी गुप्त नवरात्र जो है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया है। इन गुप्त नवरात्रों में करीब 100 के करीब ब्राह्मण बैठे हैं, जिसमें शतचंडी 5.25 करोड़ माँ का मूल मंत्र, 51,000 गायत्री मंत्र, 1,00,000 गणपति, 1,00,000 पट, इन पाठों और मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, जप किया जाएगा। इसके उपरांत नवमी वाले दिन दशांश होम किया जाएगा और उसके उपरांत माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारा पुजारी वर्ग इकट्ठा होकर नवमी वाले दिन पूरे शहर को, गांव कस्बों को भंडारे का आयोजन करें। आज ज्वालामुखी शक्तिपीठ में गुप्त नवरात्रों का शुभारम्भ स्थानीय पुजारियों द्वारा, मंदिर के न्यासियों द्वारा किया गया। ये गुप्त नवरात्रे माता के सम्मान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाए जा रहे हैं। इन गुप्त नवरात्रों में यात्रियों की सभी सुख सुविधाओं के लिए सारे प्रबंध जो हैं तैयार हैं और इस गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ लगभग 51 पंडित जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ कथा का विशेष आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जो नवमी पर जिसका समापन होगा।